हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। टैली प्राइम में जीएसटी जब एक्टिवेट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसको लेकर के काफी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन फिर बार बार रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि सर एक बार और ये बताया जाए कि कैसे हम जीएसटी को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर टैली प्राइम ओपन है, देख सकते हैं आप। अगर इसमें आपको जीएसटी एक्टिवेट करना है तो क्या करना होगा? तो कंपनी बनी हुई है, कंपनी तो आपको दिखाई पड़ी रही होगी। आपको कीबोर्ड से F11 की प्रेस करनी है। जैसे ही F11 प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो आता है। यहां पर आपको क्या करना है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा टैक्सेशन, ठीक है। अगर यहां पर शो मोर पर क्लिक कर दीजिएगा तो और भी ऑप्शन आएंगे, और शो फीचर पर क्लिक कर दीजिएगा तो और भी ऑप्शन शो होने लगेंगे, जो कि नहीं शो हो रहे थे वो भी शो होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से दिया हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये जो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया हुआ है इसको यस करना है। यहां से इसको यस कर दीजिएगा। जैसे ही यस करिएगा तो आपका स्टेट आएगा, तो उस स्टेट का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। यहां पर एससी ऑफ द टेरिटरी को नो रखिएगा, बाकी जीएसटी कब से एप्लीकेबल हो रहा है वो डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। एंटर करिएगा, यहां पर जीएसटी आई एन नंबर पड़ेगा। अगर आप क्वार्टरली जीएसटी फाइल करते हैं तो आप यहां क्वार्टरली कर सकते हैं, ये क्वार्टरली कर देंगे। अगर आप क्वार्टरली करते हो तो क्वार्टरली यानी हर तीन महीने पर। यहां पर सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स को यस कर दीजिएगा। इंडिया में मैक्सिमम जीएसटी 28% लगती है, तो मैं यहां पर मैक्सिमम ही जीएसटी लगा देता हूं, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और इसको एक्सेप्ट करवाते हैं। ये एक्सेप्ट करवाया हमने, कंट्रोल ए प्रेस करके पूरे को एक्सेप्ट करवा लेंगे एक ही बार। अब यहां पर अगर हमें जीएसटी लगाना है तो सीधा चलते हैं परचेज वाउचर में। जो परचेज में जीएसटी लगा होता है वही चीज आपके सेल्स में भी लगता है, ये बात आपको क्लियर होगी। यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए। यहां पर एंटर करके नीचे आइए, यहां पर कोई भी एक क्रेडिटर पार्टी हम उठा लेते हैं, ठीक है। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। यहां पर इनका जीएसटी आई एन नंबर आप चाहे तो डाल सकते हैं। यहां परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा, अगर आप सेल्स में एंट्री पास कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट लगा सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे यहां पर, तो ये पल्स है, पल्स यहां पर 50 kg परचेज हो रहा है, ठीक है। 1 किलो का रेट 100 रुपए है, तो यहां पर उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट आ गई है, देख सकते हैं। इसके बाद अगला है राइस, तो राइस भी हम परचेस कर रहे हैं, तो राइस 200 किलो परचेस कर रहे हैं। यहां पर राइस 1 किलो की कीमत आएगी, तो 1 किलो की खरीद रेट 35 रुपए पड़ रही है। इस तरीके से दो प्रोडक्ट हमने ले लिए हैं, ठीक है। अब यहां पर जीएसटी लगाने के लिए हमें जीएसटी के लेजर्स बनाने होंगे। ऑलरेडी मैंने बना रखा है, अगर आपने नहीं बनाया तो यहां से जा सकते हैं क्रिएट पर। अगर आप टैली ERP9 यूज कर रहे हैं तो अल्ट सी करके लेजर बना सकते हैं। यहां पर आपको टाइप करना है CGST, एंटर प्रेस करके नीचे आना है, ठीक है, नीचे आना है। यहां पर आपको ग्रुप डाल देना है, तो जब भी टैक्सेस का ग्रुप होता है तो वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही होता है, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस चूज कर लीजिएगा यहां पर, और एंटर करके जीएसटी करके, और फिर यहां पर आइएगा तो सेंट्रल टैक्स कर दीजिएगा। तो पहले सेंट्रल टैक्स का और फिर इसी तरीके से स्टेट टैक्स का भी लेजर क्रिएट कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने बना रखा है, तो यहां पर मैं डायरेक्टली जाता हूं, तो CGST जैसे ही मैं लगाता हूं तो यहां 1680 रुपए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाता है, ठीक है। अब SGST की बात करते हैं, तो SGST का भी लेजर मैंने पहले से बना रखा है, तो ये SGST भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से GST आप लगा देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी, ओके। तो यहां पर ये जीएसटी कैलकुलेट हुआ है, देख सकते हैं, पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्ट करा लिया, अब इसी चीज को सेल्स में करना है तो कहां जाएंगे, वापस से बी प्रेस करेंगे और सेल्स वाउचर में जाएंगे। ये आ गए सेल्स वाउचर में, यहां पर पार्टी का नाम आएगा, तो मान लीजिए अब इसे एक डेटर पार्टी है, इसको हम ले लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, यहां पर ये डिटेल वगैरह भर लीजिएगा, यहां पर जीएसटी आईएन नंबर भी डाल दीजिएगा और यहां पर आ जाएगा सेल्स अकाउंट का लेजर। सेम वही तरीका, पल्स ले लेते हैं। अब यहां पर हम जब बेचेंगे इसको तो ज्यादा रेट में बेचेंगे, तो यहां पर 130 रुपए किलो के हिसाब से हम इसको बेचेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 130 आ गया, 50 किलो बेच रहे हैं और 130 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, तो यहां पर हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी तरीके से राइस को ले लेते हैं, तो राइस को भी हम 100 किलो बेच रहे हैं राइस, और यहां पर हम बेच रहे हैं 50 रुपए किलो के हिसाब से, तो ये आ गया। अब एंटर करके नीचे आएंगे, यहां पर CGST, फिर यहां पर एंटर करेंगे तो SGST भी लगा देंगे कुछ इस तरीके से,
और एंटर करते हुए इसको करा लेंगे एक्सेप्ट। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी कि इसको कैसे करना है। अब जब रिपोर्ट देखनी होगी तो यहां से दो बार डी प्रेस करके आएंगे, परचेज वाली रिपोर्ट, आठ नंबर वाला हमारा बिल है, तो ये देखिए ये जो रिपोर्ट है अल्ट पी करके एंटर करके और आई बटन करके प्रीव्यू आपको दिखा देता हूं, ये रिपोर्ट कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ठीक है, यहां पर सारी डिटेल्स नजर आ रही है, दुकान का क्या नाम है, क्रेडिटर पार्टी का क्या नाम है, ठीक है, और क्या क्या आपने परचेज किया। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी हम देखना चाहते हैं कि कितना रुपए टैक्स लगा है, कितना परसेंट टैक्स लगा है, वो चीजें नजर हमें नहीं आती हैं। तो अब जब अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कॉन्फिगर का बटन, तो ये कॉन्फिगर के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए और यहां पर आकर के ये देखिए लिखा हुआ है सो जीएसटी रेट इन परसेंटेज, तो जीएसटी रेट इन परसेंटेज दिखाना चाहते हो तो इसको यस कर दीजिए, और अगर आप आइटम वाइज जीएसटी दिखाना चाहते हो तो इसको यस कर सकते हैं। तो अगर आइटम वाइज हम दिखाना चाहते हैं तो आइटम वाइज ही कर देते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं। अब इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, ठीक है, तो अब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये बिल देख सकते हैं आप, आइटम वाइज दिखा रहा है 14% सीजीएसटी 14% एसजीएसटी, लेकिन क्या होगा कि हम अलग से टैक्स लगाएं, अलग से टैक्स लगाना हो तब, अब ये दोनों तो हो गया, इसको छोड़ते हैं, एक नई एंट्री पास करते हैं, आते हैं वापस से परचेस वाउचर में और एक नई एंट्री मैं करके दिखा देता हूं। तो ये देखिए ये परचेज में आए, यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग, क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए, यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर लगा दीजिए। अब एक नया स्टॉक आइटम ले रहा हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं रेड चिली पाउडर, ये दे दिया रेड चिली पाउडर कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे, यहां पर मैं कर देता हूं पैकेट, तो अल्ट सी करके यूनिट बना लेता हूं, यहां लिख देता हूं पीकेटी, एंटर करेंगे यहां लिख देंगे पीएसी केईटी पैकेट, ठीक है, और यहां पर पैकेट के लिए पैक्स पैकेट जो भी है तो यहां पे पैक्स कर देते हैं और एंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, यहां पर आएंगे तो यहां पर जीएसटी रेट की डिटेल को अल्टर कर सकते हैं आप। ठीक है, यहां पर ऑन वैल्यू ही रखना है और यहां पर कर देना है टैक्सेबल, अलग से टैक्स रेट सेट करना है, तो 18% मान लीजिए इस पर लग रहा है तो 18 दे दीजिए यहां पर, तो इस पर 18% का टैक्स अलाउ होगा, वहां पर क्या था, वहां पर 14% यानी कुल मिलाकर 28% लगा था, यहां पर 12 पैकेट चिली पाउडर के खरीद रहे हैं, एक की खरीद रेट 40 रुपए पड़ रही है, और यहां पे लगा दीजिए सीजीएसटी ये लग गया, और यहां पे लगा दीजिए एसजीएसटी तो ये भी लग गया, देख सकते हैं ये दोनों ही लग गया है। अब इसको एक्सेप्ट करा लिया, अब इसका प्रिंट आउट देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहां पर ये इसका प्रिंट आउट आया हुआ है, 9 नंबर का बिल है, ये देखिए यहां पर प्रिंट आउट भी लेके दिखा देता हूं इसका, किस तरीके से ये प्रिंट आउट आया हुआ है, कितना परसेंट टैक्स लगा हुआ है, नो यानी 18% कुल मिलाकर टैक्स लगा हुआ है। क्या होगा कि अगर डिफरेंट स्टेट का हमारा जो डेटर पार्टी है वो होगा या क्रेडिटर पार्टी है वो होगा तो क्या करेंगे, तो कौन सा टैक्स लगेगा, सारी बातें बताता हूं। देखिए यहां से वी प्रेस करके आ गए, अब ये हमें चलना है सेल्स वाउचर में, एफएट प्रेस कर लेते हैं सेल्स वाउचर में आ जाते हैं। अब हम जो डेटर पार्टी बना रहे हैं वो डिफरेंट स्टेट का होगा, लेकिन जब पार्टी डिफरेंट स्टेट की होगी, जैसे मान लीजिए यहां पर करता हूं मैं बबलू, ठीक है, और यहां पर डी लिख देता हूं डेटर पार्टी के लिए, ये हो गया एंटर किया एंटर किया एंटर किया, और ये देखिए उत्तर प्रदेश के बजाय यहां पर स्टेट चेंज कर रहा हूं, जैसे केरला कर दिया केरला, तो यहां पे जाकर के केरला कर देते हैं, तो ये हो गया केरला, एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया और एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, एंटर 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 और ये एक्सेप्ट। ठीक है, अब यही चीज जब हम आएंगे तो यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सीजीएसटी एसजीएसटी यहां पर अभी भी लगा हुआ है, लेकिन क्या ये कैलकुलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट का मामला हो गया, तो ऐसे में लगाएंगे आईजीएसटी। एकदम क्लियर कट वीडियो है, सारी कंफ्यूजन को ये दूर कर देगा वीडियो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी के साथ एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये हो गया आईजीएसटी, एंटर करेंगे एंटर करेंगे और यहां पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इसे डाल देंगे, तो ये कर दिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहां पर कर देंगे जीएसटी और ये हो जाएगा आईजीएसटी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आईजीएसटी कर दिया, एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया, तो यहां पर देखिए टैक्स कैलकुलेट हो गया और कोई टैक्स इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि डिफरेंट स्टेट है तो केवल एक ही टैक्स लगेगा। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, अब इसका प्रिंट आउट दिखा देता हूं कैसा आएगा। ठीक है, पहले इसको क्लोज कर देता हूं, ये कैलकुलेटर ओपन हो गया है, तो यहां से दो बार डी प्रेस करते हैं। अब देखिए यहां पर सेल्स वाला है, 4 नंबर का बिल है हमारा, तो ये देखिए यहां पर अल्ट पी प्रेस करता हूं, एंटर करता हूं और आई बटन प्रेस करके दिखा देता हूं कि कितना परसेंट टैक्स इस पर लगा है। अब इसमें सेटिंग थोड़ा सा हमको करना होगा टैक्सेस के लिए, जब हम टैक्सेस को देखना चाहेंगे तो यहाँ कॉन्फिगर पे जाकर के आइटम वाइज अगर देखना चाहते हैं तो यहां से
आइटम वाइज को हमें एक्टिवेट करना होगा, तो यस कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे तो ये आइटम वाइज एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए आइटम वाइज कितना टैक्स लगा है यहाँ पर शो कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आ रही होगी। ओके, देख सकते हैं राइस पर 28% लगा हुआ है और इस पर 18% लगा हुआ है। दोनों ही बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर आपको वीडियो पसंद आए ये तो इसको शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ सवाल कोई और हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।